के कोरियर टर्मिनल पर एयर कार्गो कस्टम्स एक्सपोर्ट कमिश्नरेट व नई दिल्ली की विशेष जांच और खुफिया शाखा ने गलत तरीके से लाए जा रहे भारी संख्या में कीमती आईफोन और लैपटॉप को जब्त किया है। बाजार में इन जब्त किए गए सामानों की कीमत लगभग 2.5 करोड़ बताई जाती है। जब्त किए गए सामान में विभिन्न मॉडलों के 222 आईफोन, 173 इस्तेमाल किए गए लैपटॉप, 4391 बोतलें फूड सप्लीमेंट्स, 10 सोनी पीएस, 5 और कॉस्मेटिक्स हैं। इन सामानों को दुबई से घरेलू सामान के रूप में भेजा गया था, जिसे जांच के बाद गलत घोषित करते हुए अधिकारियों ने इसे जब्त कर लिया है।